हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूँ सुभाष पोद्दार। ये सेट बीपीएससी 67वीं पीटी के वास्ते है और इसमें बिहार का जो ऑफिशियल जीके होता है वो पेश किया जा रहा है। हालांकि ये करंट से थोड़ा पहले का है, आइए इसे देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार लोकायुक्त बिल राज्यसभा राज्य विधानसभा से कब पास हुआ, ये क्वेश्चन अच्छा है। बिहार लोकायुक्त बिल राज्य विधानसभा से कब पास हुआ, तो आंसर है 7 दिसंबर 2011। अगला क्वेश्चन है, बिहार लोकायुक्त बिल के दायरे में कौन आते हैं, तो ये दोनों प्रश्न अहम है और एवर आस्किंग है। तो देखें कौन कौन आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, स्पीकर ऑफ विधानसभा, चेयरमैन ऑफ विधान परिषद, लेजिस्लेटर्स यानी विधायक जो होता है, विधायक, फॉर्मर लेजिस्लेटर्स यानी भूतपूर्व विधायक, पब्लिक सर्वेंट्स लोक सेवक, और एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट ग्रांट प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी 9 के 9 बिहार लोकायुक्त बिल के दायरे में आते हैं जो 2011 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार निर्माण के 100 वर्ष पूर्ण कब हुए, आंसर है 22 मार्च 2012। ये भी प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में डॉल्फिन दिवस कब से मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस कब से मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर 2012 से ऐसा किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, ये 2012 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1924 के प्रिजन गाइडलाइंस को हटाकर नया जेल मैनुअल बिहार सरकार द्वारा कब अप्रूव्ड हुआ, स्वीकृत हुआ, आंसर है 11 दिसंबर 2012। सिल्वर आइकन वेब रत्न अवार्ड 2012 बिहार को किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो ये पब्लिक रिट्रेशन सिस्टम हेतु जो बिहार सरकार द्वारा वेबसाइट विकसित किया गया था, http://bpgrs.in, इसको ये अवार्ड दिया गया था। ये याद रखेंगे, पब्लिक रिड्रेसल सिस्टम याद रखना है, लोक शिकायत निवारण, इस हेतु जो वेबसाइट बनाया गया उसको सिल्वर आइकॉन वेब रत्न अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेबल एंड एसआई यानी कि सिपाही और दरोगा भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण की स्वीकृति राज्य कैबिनेट द्वारा कब मिली, कांस्टेबल और एसआई भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण की स्वीकृति राज्य कैबिनेट द्वारा 16 अप्रैल 2013 को दिया गया था ये। और ये जो आरक्षण था 35% का, ये रिजर्व अनरिजर्व दोनों के लिए है, जबकि ये बीसी वुमेन को पहले से ही 3% आरक्षण दिया जा रहा है, उसके अतिरिक्त यह कोटा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत बिहार को केंद्र द्वारा 2 गुनी खाद्य सब्सिडी और खाद्यान्न आवंटन की घोषणा कब की गई, तो ये अच्छा प्रश्न है। 6 अक्टूबर 2013 को ऐसा किया गया था, ऐसा किस लिए किया गया था, ताकि बिहार में PDS नेटवर्क इम्प्रूव हो सके। क्यों ऐसा किया गया था, कारण ये था कि बिहार की आबादी जो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से अधिक है, अधिक होते हुए भी यहाँ पर PDS शॉप्स इन दोनों राज्यों की तुलना में कम थे, इस वजह से PDS नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा किया गया था। फूड सब्सिडी और फूड ग्रेन एलोकेशन को डबल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में है, तो आंसर है लखीसराय। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री कब बने, ये प्रश्न आ सकता है, ये सब आंसर है 20 मई 2014। आपको याद होगा कि 17 मई को नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए थे, क्योंकि 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी थी,
इस वजह से ऐसा किया गया था। और तब जीतन राम मांझी को सीएम बनने का मौका मिला था और 20 मई 2014 को वो बने। राज्यपाल थे उस समय डीवाई पाटिल, उन्होंने ही पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2014 को केंद्र ने बिहार में 3 लो कॉस्ट एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव किन किन जिलों के लिए किया था? तो ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, रक्सौल और गया। मुजफ्फरपुर, रक्सौल और गया। गया एक ऑपरेशनल कस्टम एयरपोर्ट होगा, जबकि रक्सौल एक नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने यूनुच यानी हिजरा जिसको बोलते हैं और ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में कब पहचान किया? तो इसका आंसर है 9 सितंबर 2014। और बिहार में इसको बीसी एनेक्स 2 कैटेगरी में रखा गया है, ये याद रखिएगा। ये सब प्रश्न कभी भी पूछेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हिजड़ा या ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में पहचानते हुए अपना निर्णय कब दिया? आंसर है अप्रैल 2014। और ऐसा निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया था कि इन्हें सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड के रूप में ट्रीट किया जाए, इन्हें शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश दिया जाए, इन्हें थर्ड जेंडर के आधार पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, इन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा जाए, ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर को। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने हेतु भारत ने भूटान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कब किया? सहमति पत्र पर हस्ताक्षर 7 नवंबर 2014 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में कहां पर स्थापित किया गया है? ये वेल नोन है, मोतिहारी में है ये। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2014 का प्रावधान लाया गया था सेंटर में, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, पहला नंबर जो है। और इस बिल को लोकसभा द्वारा 26 नवंबर 2014 को पास किया गया था। बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का नाम दिया गया, रीनेमिंग भी किया गया था इसके, इस बिल के प्रावधान के अंतर्गत। बिहार में जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी था उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने मातृत्व अवकाश की अवधि 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया, साथ ही 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश का भी प्रावधान किया, तो बिहार सरकार ने ऐसा कब किया था? 6 जनवरी 2015 को। और यह अवकाश किसी भी महिला सरकारी सेवक को, किसी भी महिला सरकारी सेवक को उसके संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल 2 बच्चों के लिए ग्रांट किया जाएगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एससी एसटी एवं गर्ल्स स्टूडेंट के लिए पीजी लेवल तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा कब लिया गया? एससी एसटी एवं गर्ल स्टूडेंट्स के लिए 3 फरवरी 2015 को ऐसा निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बुद्धा हेरिटेज वॉक में कितने देशों ने भाग लिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रथम बुद्धा हेरिटेज वॉक इसमें 11 देश शामिल हुए थे, लगभग 500 तीर्थयात्री थे उसमें। और अपने समय में जो बुद्ध ट्रेवल किए थे बोध गया से राजगीर तक, उस ट्रैक में जो भी जंगली क्षेत्र आते हैं उसी जंगली क्षेत्र से ये लोग वॉक किए, भ्रमण किए। और इसमें बिहार सरकार का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रेन को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देने तथा उसके ग्रैंड डॉटर्स के लिए 51,000 रुपये की विवाह सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय कब लिया? तो ऐसा निर्णय 1 सितंबर 2015 को लिया गया था, ये भी याद रखना है। बिहार सरकार ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कब अप्रूव किया? पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का अप्रूवल कब दिया बिहार सरकार? 22 दिसंबर 2015 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को बिहार कैबिनेट ने कब अप्रूव किया? 19 जनवरी 2016 को। प्राइमरी स्कूल टीचर्स एवं पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को बिहार सरकार ने कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है? ये बेलों ने 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कम रिवाइवल स्कीम, डिस्कम हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, तो वही है डिस्कॉम रिवाइवल स्कीम उदय UDAY जान रहे होंगे में शामिल होने वाले राज्यों में बिहार का कितना स्थान है? तो ये याद रखें कि छठा स्थान है, बिहार छठा ऐसा राज्य था जो उदय में शामिल हुआ, और उदय स्कीम केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च हुआ था और बिहार इसमें 22 फरवरी 2016 को शामिल हो गया। बिहार में गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च हुआ? GCP, ये राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड है NBCC, इसके द्वारा ही गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब यह दिसंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ ये WRRD एंड GR ने NBCC को इस कार्य हेतु हायर किया था। तत्पश्चात मई 2016 में के अंतिम सप्ताह में NBCC ने बिहार में GCP लॉन्च करने की घोषणा की थी। और बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम CLTS का शुभारंभ कब किया? 12 जून 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था CLTS का नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के निकट गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल के निर्माण के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की स्वीकृति किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? यह है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, और इस तरह की स्वीकृति 24 जून 2016 को दी गई थी ADB के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एक्ट के प्रावधानों को अल्ट्रा वायर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हुए कब खारिज किया गया? आंसर है 30 सितंबर 2016। ये 5 अप्रैल 2016 को बिहार सरकार ये नोटिफाई किया था इसको, इस ये जो एक्ट था ये जारी किया गया था बिहार सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को ये अधिसूचना, और उसको फिर 30 सितंबर 2016 को ही पटना हाई कोर्ट खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 बिहार सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया? तो आंसर है 2 अक्टूबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 किस एक्ट को हटाकर लाया गया है? तो इसमें दो एक्ट को हटाया गया था जो पुराने समय का था। पहला था बिहार एक्साइज एक्ट 1915 और बिहार प्रोहिबिशन एक्ट 1938। इन दोनों एक्ट को हटा के ही बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 लाया गया था, जिसमें कम से कम 10 साल की सज़ा और कम से कम 1 लाख रुपये का ये पेनल्टी का प्रावधान था। तो इस तरह से ये सेट समाप्त होता है, आप इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लें, ये काम का है, कुछ न कुछ आ जाएगा इससे। थैंक यू वेरी मच।